हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका पूनम गुप्ता किचन में स्वागत है। आज हमने आपके लिए बनाए हैं ब्रेड की केक समझ लो या फिर रसमलाई समझ लो, इसको हम दोनों ही कह सकते हैं, बट हमने इसको केक शेप दी है, ये आप देख सकते हैं। ये अब आप देख सकते हैं, हमने इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लिए हैं, जिसके लिए हमने पहले कढ़ाई ली है। कढ़ाई को हम बहुत मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। ये देखिए, हम मीडियम फ्लेम पे रख लेते हैं। जिसमें हम डालेंगे, हमने ये 1 किलो दूध लिया था जिसको हमने रिड्यूस करके हाफ उसमें कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, जिसके लिए हम ये रबड़ी तैयार करेंगे। ये अब आप देख सकते हैं, मैंने ये दूध कढ़ाई में डाल दिया है, पर हम मीडियम फ्लेम पे ही रखेंगे कढ़ाई को, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे ताकि हमारा ये दूध जल ना जाए। अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। आप इसको चलाते रहना दूध को, ताकि ये नीचे ना लगे कढ़ाई में। ये अब आप देख सकते हैं, हमारा दूध पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा केसर। ये देखिए, हमने केसर की ये ली है, बिल्कुल थोड़ा सा ही लेना है ताकि इसमें कलर आ जाए। ये हमने केसर इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच चीनी के, ये आप देख सकते हैं, केसर से हमारे दूध में थोड़ा सा येलो कलर आ जाएगा। अब हम इसको चलाते रहेंगे जब तक चीनी पूरी इसमें मेल्ट ना हो जाए, और केसर का कलर भी आप देख सकते हैं हल्का हल्का चेंज होता जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, हमारा दूध थोड़ा गाढ़ा होता जा रहा है। ये देखिए, अब इसमें उबाल भी आने शुरू हो गए हैं। अब हम इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर, क्योंकि रबड़ी ठंडी अच्छी लगती है। हमने इसकी गैस बंद कर दी है। अब हम इसको दूध को ठंडा होने के लिए रख देते हैं थोड़ी देर। ये देखिए, हमने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, जिसके हमने जो ब्राउन कॉर्नर्स थे वो हमने कट कर लिए हैं, ताकि जो रसमलाई है वो हमारी प्रॉपर वे में बने। हमने इसको क्या करना है, हम इसको किसी भी शेप में रख सकते हैं। आप इसको स्क्वायर शेप में भी रख सकते हो, हम इसको बट सर्कल शेप में कट करेंगे, क्योंकि जो हमारी रसमलाई होती है वो सर्कल शेप में होती है। ये अब देखिए, हमने ये बाउल लिया है, बाउल से हम इसकी ये कट कर लेंगे। बहुत ईजी वे है ये ऐसे कट करने का। ये अब देख सकते हैं, ये प्रॉपर गोल शेप में कट हो गई है। अब हम इसको सारी स्लाइसिस को ऐसे ही कट कर लेंगे। देख सकते हैं ना, अब हमारी ये गोल स्लाइस कट हो चुकी है। ये देखिए, और ये जो हमारे कॉर्नर्स हैं, ये हमारी हम अगली रेसिपी बनाएंगे, हम उसमें यूज कर लेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम रबड़ी के लिए अब ये तैयार करेंगे इसका मिक्सचर। ये देखिए, अब हमने एक फर्स्ट हम ये अब आप देख सकते हैं, जो हमने ये गोल पहले हम इसको ऐसे रखेंगे प्लेट में। ये जो हमने थोड़ी सी मलाई ली थी, मलाई को हम इसके ऊपर लगाएंगे। हम दूसरे तरीके की रसमलाई बनाएंगे, बाजारों में तो दूसरे तरीके की मिलते हैं। हमने इसमें मलाई लगाई, मलाई के ऊपर हम ये थोड़े से बादाम गार्निश करेंगे, थोड़े से काजू और चेरीज। अगेन हम वही प्रोसीजर करेंगे, फिर इसके ऊपर एक ब्रेड रखेंगे और इसके ऊपर फिर मलाई लगाएंगे, फिर इसको गार्निश करेंगे इसी बादाम से, वही सेम प्रोसीजर के साथ, और इसके ऊपर चेरीज लगाएंगे, और एट लास्ट हम इसको ये लास्ट 3 का बनाएंगे हम। आपकी मर्जी, आप 4 का ही बना सकते हैं, 2 का भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये हम इसके ऊपर गार्निश के लिए ऐसे रख देंगे इसको। अब हम इसके ऊपर डालेंगे रसमलाई जो हमने वो बनाया था दूध के लिए, अब हम वो इसके ऊपर डालेंगे। ये देखिए, ये हमने फ्रिज में ऑलरेडी रख दिया था, ये ठंडा भी हो चुका है। अब हम इसको इसके ऊपर डाल देंगे गार्निश के लिए, हमारी रसमलाई तैयार हो जाएगी। बहुत ही ईजी रेसिपी है, जो आप घर पर बना सकते हैं।
ये अब आप देख सकते हैं कितनी यम्मी लग रही है देखने में ही, बाजार वाली से भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये देखिए गार्निश हमने कर दिया है इसको विद चेरी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये अब आप देख सकते हैं, हम इसको कट भी करके दिखा देते हैं आपको। ये देखिए अब हम इसको कट करके दिखा देते हैं आपको कि ये कैसी बीच में से लगेगी। ये देखिए इसकी बीच की रेसिपी कितनी यम्मी लग रही है, ये बिल्कुल फिलिंग है इसके अंदर। ये हमारी रेसिपी तैयार है।